यह iPad 9 जनरेशन जिसे मैंने सेकेंड हैंड खरीदा है वो भी बिल्कुल न्यू कंडीशन में। दरअसल कुछ समय पहले मुझे चाहिए था एक iPad जो कि पावरफुल तो हो ही साथ ही साथ मेरे बजट में भी आ जाए, जिसके लिए मैं निकल पड़ा सेकेंड हैंड वेबसाइट यानी कि OLX पे। अब काफी समय तक ढूंढने के बाद मुझे ऐसी डील नहीं मिली जो कि मेरे बजट में हो। तभी मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आता है और कहता है, ब्रो मैंने मैच में सट्टे लगाए थे जो कि मैं हार गया, मुझे पैसे की जरूरत है। फिर क्या, मैंने अपने दरिया दिल दिखाते हुए उसे पैसे दे दिए और बदले में उसके आईपैड मैंने खरीद दिए। तो ये रही वो आईपैड जो कि मैंने खरीदा है। सबसे खास बात तो ये है कि अभी ये 6 मंथ का ही है, यानी कि अभी इस पे 6 मंथ की वारंटी है। बॉक्स वगैरह तो काफी सही रखा है भाई ने। बात करें इस iPad की स्पेसिफिकेशंस की तो iPad 9 जनरेशन है जो कि A13 बायोनिक चिपसेट के साथ आता है एंड स्पेस ग्रे कलर की है। कनेक्टिविटी वाईफाई ओनली है और स्टोरेज इसकी 64 GB है। जितने में मैंने इसे खरीदा है मुझे तो ये बिल्कुल बेस्ट डील लगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसे मैंने कितने में खरीदा है। तो चलो फटाफट इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। हालांकि मैंने भाई से बोला था कि मुझे अच्छे से पैक करके देना क्योंकि मुझे इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी है, तो भाई ने काफी अच्छे तरीके से इसे पैक करके दिया हुआ है जो कि देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से रैपर वगैरह लगा के दिए हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। हालांकि फीलिंग तो यहाँ पे बिल्कुल न्यू वाली ही आ रही है, सेकेंड हैंड है तो क्या हुआ, बट बिल्कुल न्यू वाली फील आ रही है। तो इसे यहाँ पे हम लोग हटाते हैं। तो ये रही हमारी iPad 9 जनरेशन, बिल्कुल न्यू कंडीशन में दिखती है। हालांकि कुछ फिंगरप्रिंट के यहाँ पे धब्बे दिए हुए हैं। खैर इसे हम लोग साइड में करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स में कुछ कागजात दिए गए हैं जो कि कुछ यूजर मैनुअल गाइड है एंड इसके साथ मिल जाती है हमें 2 यहाँ पे स्टिकर एप्पल की, तो काफी सही है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग अपनी चार्जिंग केबल को, तो ये भी बहुत ही सही है, बिल्कुल न्यू कंडीशन में देखने को मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा गंदा है लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी टूटा वगैरह नहीं है, बिल्कुल न्यू कंडीशन में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये भी। तो इसे भी हम लोग साइड में करते हैं। अब रह गई हमारी एडेप्टर एंड ये एडेप्टर भी एप्पल की है, बिल्कुल ओरिजिनल मिल जाती है यहाँ पे। तो ओवरऑल बॉक्स में तो बस यही था, साथ ही साथ इसके साथ ही भाई ने हमें ये एक केस भी दे दिया जो कि बहुत ही अच्छी है, 400-500 में मिल जाती है ये केस एंड मुझे ये बिल्कुल फ्री में मिल गया, तो काफी सही मुझे डील लगी ये आईपैड लेना। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे इस आईपैड 9 जनरेशन की। देख सकते हो बिल्कुल न्यू कंडीशन में देखने को मिल जाता है, बिल्कुल न्यू है, कहीं पे भी कोई सा स्क्रैच या भी डेंट वगैरह नहीं मिलता है, बिल्कुल न्यू कंडीशन में। 6 मंथ ओल्ड है, यहाँ पे 6 मंथ की अभी वारंटी इस पे अवेलेबल है, तो अगर बीच में कोई खराबी होती है तो एप्पल सर्विस से जाके मैं इसे ठीक भी करा सकता हूँ। हालांकि पावर ऑन करते यहाँ पे एप्पल की लोगो दिख रही है जो की बहुत ही औसम लगती है देखने में। तो जब तक ऑन होती है तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, एम करते हैं इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का, आई होप आप लोग कम्प्लीट कर दोगे। तो हमारी आईपैड ऑन हो चुकी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। तो इसके सेटिंग में जाकर मैंने इस आईपैड के बारे में कुछ चेक वगैरह किया एंड कंफर्मेशन लिया कि आखिर ये ओरिजिनल है कि नहीं, तो बिल्कुल ये सही आईपैड था, जेन्युइन आईपैड दिया है भाई ने। तो ओवरऑल आईपैड तो काफी सही मिल गया मुझे एंड बात करें इसकी स्पीकर की तो अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। चलो यूट्यूब को ओपन करते हैं एंड इसकी स्पीकर को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसकी स्पीकर की क्वालिटी कैसी है। ओवरऑल स्पीकर तो काफी सही मिल गया है एंड फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट भी काफी अच्छे से वर्क कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। एंड रही बात इसके स्क्रीन की क्वालिटी की तो वो भी बहुत ही सही है, काफी अच्छे से कलर वगैरह यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे आप यूट्यूब के वीडियोज, मूवीज वगैरह काफी अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हो एंड इंजॉय कर सकते हो, कलर वगैरह कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफी सही है इसमें। बात करें इसकी प्राइस की तो ये मुझे 15,000 रुपए में पड़ी, हालांकि 14,000 तो भाई ने बोला बट मैंने 15,000 रुपए दे दिए क्योंकि इसकी कंडीशन वगैरह भी काफी सही लगा मुझे। एंड आप में से काफी लोग सोचते होंगे कि ये 2024 में क्या इसमें गेम्स अभी भी चल सकती है या फिर नहीं, तो चलो इस आईपैड में हम लोग गेम्स भी ट्राई करके देख लेते हैं। हालांकि मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए डेंट वगैरह स्क्रैचेस वगैरह और चेक कर लिए तो कहीं से भी कहीं पे भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं थी, बिल्कुल न्यू कंडीशन में था। तो चलो पबजी वगैरह भी हम लोग यहाँ पे खेल के देख लेते हैं कि इसमें पबजी वगैरह अभी के टाइम में इस आईपैड 9 जनरेशन में चलती है या फिर नहीं। हालांकि A13 बायोनिक चिपसेट है जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट होती है, तो चलो इंजॉय करो हमारी गेम प्ले को।
तो SDR एंड अल्ट्रा पे काफी सही चला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चलो अभी स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम लोग प्ले कर लेते हैं, जो कि सभी लोग इसी पे खेलते हैं। तो गेम वगैरह खेलते हुए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे हीट देखने को मिलता है, वो भी वेदर की वजह से है, काफी ज्यादा गर्मी भी है। अगर फैन वगैरह लगा के आप खेलते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बस यहीं तक था आज का ये वीडियो। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि 15,000 रुपए में क्या ये आईपैड मेरे लिए बेस्ट डील थी या फिर नहीं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।